हेलो स्टूडेंट्स एसिस में चैप्टर वन एनवायरमेंट आज एक्सरसाइज में अपने एम सी क्यू पढ़ेंगे ओके वे विल स्टार्ट फर्स्ट विच इज़ नॉट ए नेचुरल इको सिस्टम इसमें से कौन सी नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है ए डेजर्ट बी एक्वेरियम सी फॉरेस्ट

विच इज़ ए ह्यूमन मेड एनवायरमेंट इसमें से ह्यूमन मेड एनवायरमेंट कौन सी है ए माउंटेन बी सी सी रोड आंसर वॉज सी रोड नंबर फोर विच इज ए ट्रीट टू एनवायरमेंट इसमें से एनवायरमेंट के ट्रीट कौन सी है? मतलब एनवायरमेंट किससे फायद फायदा कैसा फ़ायदा होता है तो ए ग्रोइंग प्लांट बी ग्रोइंग पॉपुलेशन सी ग्रोइंग क्रॉप्स आंसर वॉज बी ग्रोइंग पॉपुलेशन मतलब अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एनवायरमेंट को इफेक्ट होगा ओके द नेक्स्ट पेज सेकेंड क्वेश्चन मैचअप्स फर्स्ट स्टूडेंट्स मैचअप्स में मैंने ये डायरेक्ट सामने सामने आंसर्स लिखे इसलिए आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग होए। फर्स्ट बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मीन्स नेरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। नो जोन एक छोट पतला सारो जोन जहाँ पर वाटर और लैंड दोनों साथ में इंटरेक्ट होए उसको क्या बोलते हैं बायोस्फीयर नंबर टू एटमोसफियर ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ अर्थ के सराउंड में एयर हो उसको क्या बोलते हैं एटमोसफियर नंबर थ्री हाइड्रोस्फियर डोमेन्स ऑफ वाटर पानी में पाया जाता है हाइड्रोसफियर नंबर फोर एनवायरमेंट अवर सराउंडिंग सराउंडिंग में एनवायरमेंट होती है ओके okay? स्टूडेंट्स आपका चैप्टर वन फिनिश हो गया है नेक्स्ट चैप्टर में आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी अभी आपका होमवर्क प्रैक्टिस एम सी क्यू मैचअप्स वन टाइम इन नोटबुक वन टाइम लिख के नोटबुक में एम सी क्यू और मैचअप्स की प्रैक्टिस करनी है Okay, thank you.